हेलो एवरीवन आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रेजी फॉर आई में और ये करंट अफेयर्स है फॉर ट्वेंटी सेवन्थ में टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड दिस इज़ ऑल इन वन सीरीज़ यानी आपके जितने भी करंट अफेयर्स है सारे प्लेटफॉर्म्स से उनको यहाँ पे कंपाइल किया गया है सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम तो पहली न्यूज़ ये है दैट चारधाम हाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो उसका चंबा टनल को इनाग्रेट किया गया है तो ये जो चारधाम महामार्ग विकास परियोजना है ये टू लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि इनाग्रेट किया गया था 2016 में और ये ओरिजिनेट करता है ऋषिकेश से एंड इसके चार अलग अलग रूट्स हैं विच विल कनेक्ट द फोर होली प्लेसेज इन उत्तराखंड कौन कौन से हैं बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री ओके एंड uh, ये जो चंबा टनल है जिसको इनाग्रेट किया है इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने डिक किया था ऑन नेशनल हाईवे 94 बिलो द चंबा टाउन और हिल स्टेशन इन तेहरी uh, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ठीक है तो ये कहाँ पर है चंबा टनल चंबा टाउन के नीचे इन तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ओके तो अगली न्यूज़ है सहारन चीता के बारे में जिसको नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता भी कहा जाता है एक सब स्पीशीज़ है चीता का एंड इट इज़ एंडीमिक टू सहारा ठीक है इसलिए नाम ही ऑब्वियसली सहारन चीता है और इसके अलावा ये सहेल रीजन्स ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है और ये क्या... ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड फोना है और इसका मतलब इट हैज़ अ शॉर्टर कोट इसका फीचर क्या है याद रखना इट हैज़ अ शॉर्टर कोट एंड नियरली वाइट कलर ठीक है और इसके फेस पे या तो कम या तो बिल्कुल स्पॉट्स नहीं होते हैं एंड टीयर्स ट्राइब्स आर ऑलमोस्ट एबसेंट ओके अब ये न्यूज़ में एक्चुअली में क्यों था क्योंकि आ, पूरे दस साल में पहली बार नेचुरलिस्ट ने सहारन चीता को अभी फिल्म किया था इन हॉगर माउंटेंस नेशनल पार्क इन एलजीरिया ठीक है तो ये भी रखना हॉगर माउंटेन्स नेशनल पार्क कहाँ पे आता है अल्जीरिया में आता है जहाँ पे सहारन चीता अभी देखे गए ओके okay? वैसे जो ये सब स्पीशीज है ये हॉट और ड्राई रीजन्स में मिलता है और इसके कुछ बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है विच सूट टू द हार्श एनवायरनमेंट ठीक है तो इसका एग्जांपल जैसे कि है ना ये प्रीडोमिनटली uh, नॉक्टर्नल होते हैं और ये डायरेक्ट एक्सेस टू वाटर के बिना कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं बाय ऑप्टेनिंग वाटर फ्रॉम ब्लड ऑफ देयर प्रे ठीक है एंड अभी केवल थर्टी सेवन इंडिविजुअल्स हो सकता है अलाइव हो इन वाइल्ड ओके और यहाँ पर फोटो है तो आप देख भी सकते हो शॉर्ट कोट वाइट एंड कलर वगैरह ओके नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिसलेशन एंड uh, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स uh, बताए गए हैं जिसके ऊपर यूनिफिकेशन ऑफ लेबर लॉस किया जाना चाहिए एंड नीड टू बी प्रमोटेड ओके तो फर्स्ट थिंग इज दैट लेबर लॉज अंडर ऑल मिनिस्ट्रीज नीड यूनिफिकेशन तो कई सारे लेबर और इम्प्लॉयमेंट लॉज ऐसे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के परव्यू के बाहर हैं ओके okay? इसलिए उनको भी यूनिफाई करने की ज़रूरत है सेकेंड थिंग इज होलिस्टिक डेफिनेशन फॉर एम्प्लॉयीज़ नीड तो एन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयी मतलब वो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो पार्ट टाइम हो वर्क फ्रॉम होम हो या माइग्रेंट हो कुछ भी हो लेकिन वो इम्प्लॉयी होता है और इसके लिए उस, उसको जितने फॉर्मल इम्प्लॉयीज़ को राइट मिलते हैं उसको भी उतने अधिकार मिलने चाहिए ओके देन देर मस्ट भी सिमिलर सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इम्प्लॉयर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लेसड ऑन एम्प्लॉयज मस्ट ऑल्सो डिवॉल्व ऑन कॉन्ट्रेक्टर्स ठीक है तो आ, कहीं पे भी मतलब जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है वो सेम होना चाहिए और जो एम्प्लॉयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर भी वही होनी चाहिए फिर मॉडल लेबर लॉ बाय सेंटर फॉर अ जनरल फ्रेमवर्क टू स्टेट्स तो लेबर याद रखना एक्चुअली में कौन लिस्ट में आता है तो इसके लिए अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग अपने लेबर लॉज हैं तो अगर एक मॉडल लेबर लॉ रहेगा सेंटर द्वारा बनाया गया तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करना बहुत ईजी रहेगा ओके एंड लेबर लेजिस्लेशन शुड नॉट बी ओपन एंडेड मतलब ऐसा नहीं कि उसको कह दिया यूनिफॉर्म उसको यूनिफाई करने के लिए लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है चलता जा रहा है एक फिक्स टाइम फ्रेम में वो हो जाना चाहिए देन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी अ बाटरल डील बिटवीन एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय तो एक अकेला लॉ जो है वो दोनों को जस्टिस नहीं दे सकता है तो दोनों के लिए मतलब वो एक प्रॉपर डील होनी चाहिए देन सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजन्स टू भी डिलीवर्ड बाय स्टर ऑफ इन एस्टैब्लिशमेंट्स कलेक्टिवली यानी कि सबको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए केवल इम्प्लॉयर का काम नहीं है डीलर्स और इम्पोर्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज की, की सेफ्टी और वेलफेयर बना रहे दैन uh, कोई भी एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है इट शुड बी एट द एंटरप्राइज लेवल ओके और उसका प्रॉपर अगर इंप्लॉयज़ का कोई एसोसिएशन है तो उसका प्रॉपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर भी होना चाहिए ओके okay? Now reverse migration puts centers area scheme in the limelight. तो अभी जो है रिवर्स uh, माइग्रेशन uh, हो रहा है लोगों का पहले मतलब माइग्रेशन जो था वो एक्चुअली में फिनोमेना देखा गया था जब लोग विलेज़स से अर्बन एरियाज़ में जाते थे और अभी मासिफ रिवर्स माइग्रेशन है क्योंकि पीपल आर मूविंग फ्रॉम अर्बन एरियाज टू विलेज एवर सिंस द लॉकडाउन वॉज इम्पोज ड्यू टू कोविड नाइन्टीन एंड दिस हैज़ पुट दिस हैज पुट फोकस ऑन दी आर्या स्कीम आर ए स्कीम क्या है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर स्कीम ठीक है तो इसको एक्चुअली में इनिशिएट किया गया था आईकार ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इसको इनिशिएट किया था आर्या स्कीम याद रखना अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे नि वही समझ में आ रहा है उनको एग्रीकल्चर में लेकर आना यानी कि यूथ को अट्रैक्ट करना और एम्पावर करना रूरल एरियाज़ में ताकि वो कई सारी एग्रीकल्चर एलाइड और सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस लेकर आए वहाँ पे फॉर सस्टेनेबल इनकम एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ओके देन टू इनेबल द फार्म यूथ टू स्टेब्लिश नेटवर्क ग्रुप्स टू टेक अप रिसोर्स एंड कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज़ जैसे प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग तो मतलब जो फार्म जो वहाँ पे यूथ है रूरल यूथ है वो खुद के ऐसे नेटवर्क ग्रुप बनाए ताकि कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज़ वही मतलब अभी जैसे आत्मनिर्भर की बात की जा रही है तो वो खुद से इस तरीके से आगे आए ठीक है ठीके? Then, to demonstrate functional linkage with different institutions and stakeholders for convergence of opportunities available under various schemes or programs for sustainable development of youth. तो प्रॉपर यूथ का जो है डेवलपमेंट हो सके उसके लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के अंडर स्कीम्स के अंडर उनको सबको लिंक करना ठीक है और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं एंड इट इन टर्न इन्वॉल्व सेवरल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एस टेक्नोलॉजी पार्टनर्स तो के के साथ में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अभी जो है ये आर एस की याद रखना केवल सौ डिस्ट्रिक्ट में लागू की जा रही है ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स एन जी एम ए यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वो एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज़ कर रही है टू कमेमोरेट दन हंड्रेड फिफ्टींथ बर्थडे ऑफ राम किंकर बैज ओके तो राम किंकर बैज के बारे में देख लेते हैं ये नाइनटीन जीरो सिक्स टू नाइनटीन एटी के टाइम पे थे एंड ही वॉज एन आईकॉनिक स्कल्प्टर पेंटर एंड अ ग्राफिक आर्टिस्ट और उन्होंने uh, कला भवन में स्टडी किया था जो कि आर्ट स्कूल है शांति निकेतन का एंड ही वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ नंदलाल बोस तो uh, राम किंकर बैच नंदलाल बोस और विनोद uh, बिहारी मुखर्जी इन्होंने पिविटल रोल प्ले किया था इन मेकिंग शांति निकेतन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर मॉडर्न आर्ट एंड प्री इंडिपेंडेंट इंडिया ठीक है और ही असीमुलेटेड द ईडियम्स ऑफ द यूरोपियन मॉडर्न विजुअल लैंग्वेज एंड येट वॉज रूटेड इन हिज ओन इंडियन एथोस तो uh, मतलब वही चीज़ है कि वेस्टर्न को uh, यहाँ के ओरिजिनल फॉर्म से ट्रेडिशनल uh, से कम्बाइन uh, uh, करना ठीक है तो यूरोपियन लैंग्वेज के ईडियम्स एंड इंडियन एथोज ही ऑल्सो इंट्रोड्यूसड सीमेंट कंक्रीट कास्टिंग एज एन ऑल्टरनेटिव टू एक्सपेंसिव प्लास्टर तो प्लास्टर की जगह ऑल्टरनेटिव सीमेंट कंक्रीट का भी इन्होंने इंट्रोड्यूस uh, किया था एंड इन्होंने संथल ट्राइबल आर्ट के जो आ, आर्ट एंड लाइफ के जो एलिमेंट्स थे उनको अपने आ, वर्क में वो आ, उन्होंने इंटीग्रेट किया था एंड एनहांस देम बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेशनिज्म तो संथल ट्राइबल आर्ट को भी एक तरीके से मॉडर्न फॉर्म दिया था नाउ ग्लैनमार्क टू कंडक्ट फेथ ट्रायल्स अब फेथ क्या है पहली बात तो इट्सटैंड फॉर फेवी पिरावीर एक्चुअली ये फेवी पिरावीर ड्रग है प्लस यूमी फेनोवीर तो अब इसमें से इन्होंने ऐसे काट काट के लिया है एफ ए आई टी एच किसी तरीके से वो करने के लिए तो ओके एंड एफिकेसी एंड सेफ्टी ट्रायल है कहाँ पर इन इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग ओके तो

यूमी जो कि एक पोटेंशियल कोविड नाइन्टीन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है तो ये ट्रायल्स ये ग्लैनमा कंडक्ट कर रहा है नेक्स्ट इज अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बहुत इंटरेस्टिंग है आ, तो ध्यान से इसको देख लेना पढ़ लेना सुन लेना सो कोविड नाइन्टीन जो है उसने अभी एकदम से आपको पता है कि कंटिन्यूसली आए दिन आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि माइग्रेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन फोकस करवा दिया है एंड इट हैज़ हाईलाइटेड देयर प्रिकेरियस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ओके तो ओ एन ओ आर सी का लाने का मकसद क्या है एक्चुअली मैं वैसे इसको और लेट मई जून तक लेकर आ रहे थे लेकिन कोविड के चलते इसको और पहले आ, मार्च में लाने की आ, बात हो गई थी ओके सो दी आइडियाज़ ऑफ पोर्टेबल वेलफेयर बेनिफिट्स यानी कि कोई भी अगर सिटीज़न है तो उसको वेलफेयर बेनिफिट्स कहीं पर भी मिलने चाहिए एक्सेसिबल होने चाहिए वो कंट्री के किसी भी पार्ट में हो दो दैट इज वाई वन नेशन वन राशन ऐसे अलग अलग जगह का अलग अलग राशन नहीं होना चाहिए तो अब इसमें बैरियर्स क्या क्या हैं काफी डिटेल में काफी अच्छा आर्टिकल है, है. Uh, तो बैरियर्स क्या हैं ओ एन ओ आर सी के तो फिजिकल इंप्लीकेशन है क्योंकि फिजिकल फाइनेंशियल बर्डन जो स्टेट्स आपस में शेयर करते हैं वो उसको अफेक्ट करेगा देन देर इज लार्जर इशूज ऑफ फेडरलिज्म एंड इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन तो सारे स्टेट्स है ना इस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल मतलब एक ही चीज़ होनी चाहिए बिकॉज दे हैव कस्टमाइज द पी डी एस थ्रू हायर सब्सिडीज़ तो कई स्टेट्स ने क्या किया है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अपने अनुसार कस्टमाइज़ किया हुआ है जैसे किसी ने हायर सब्सिडी सब्सिडीज़ दी हैं हायर एंटाइटलमेंट लिमिट्स दी हैं या फिर सप्लाई ऑफ एडिशनल आइटम्स और इसका एक एग्जाम्पल है तमिलनाडु तो तमिलनाडु ने क्या किया है कि सबके लिए मतलब पी डी एस सिस्टम है तो वहाँ पर मतलब हर 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 इंसान जो है वो पीडीएस के लिए एलिजिबल है ओके okay? एंड देन देर इज़ अ टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट तो ओ एन ओ आर सी को जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बैकबोन चाहिए होगी जिसमें सारे बेनिफिशरीज यानी साढ़े सात सौ मिलियन बेनिफिशरीज़ हैं सारे राशन शॉप्स यानी फाइव लैख थर्टी थ्री थाउजेंडन राशन शॉप्स एंड जो फूड ग्रेन एनुअल वो आता है वहाँ पर यानी फिफ्टी फोर मिलियन टन ये सब चीज़ों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ पाए तो इतना इतनी स्ट्रॉग टेक्नोलॉजी चाहिए और अब इसमें एक बहुत अच्छा सजेशन दिया हुआ था कि ऐसे ही कुछ कंसर्न्स थे जो कि जीएसटी लाते टाइम भी थे ओके okay? और उस उनसे अगर हम मतलब वहाँ पे जो हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट किए उनसे हम सीख ले सकते हैं ओ एन ओ आर सी में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए तो जैसे पहली बात बोली फिजिकल कंसर्न तो उसमें क्या था कि जैसे तमिलनाडु और गुजरात थे तो वो नेट एक्सपोर्टर्स थे ठीक है तो उनको ये लग रहा था कि जीएसटी आ जाएगा तो उनको टैक्स रेवेन्यू में नुकसान होगा और यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स थे वो नेट कंज्यूमर स्टेट्स थे ठीक है तो वो वहाँ पे पार्शियलिटी हो जाती तो फिर सेंटर ने क्या किया उस टाइम पे स्टेप इन किया और कहा कि गारंटीड कंपनसेशन दिया जाएगा स्टार्टिंग के पाँच साल अगर आ, किसी का भी टैक्स रेवेन्यू में लॉस होता है तो ओके okay? तो ओ एन ओ आर सी में भी यही किया जा सकता है कि इस तरीके का अश्योरेंस दिया जा सकता है टू नेट इनबाउंड माइग्रेशन स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र और केरला हो गए तो वहाँ पे अगर कोई भी एडिशनल कॉस्ट आता है माइग्रेंट्स वगैरह की वजह से तो पाँच साल तक उसको कवर किया जाएगा तो ऐसा सजेशन दे रहा है ये आर्टिकल ओके देन सेकेंड इशू जो है वो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन का है तो कोऑपरेटिव uh, फेडरलिज्म की भावना रखते हुए उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया था जहाँ पे सेंटर के और स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और उसी तरीके से ओएनओआरसी जो है वो एक नेशनल काउंसिल फॉर ओ सेटअप कर सकता है जो कि रेगुलरली मीट करे ओके okay? फिर टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट की जो बात करी तो जीएसटी को काफ़ी एक सोफिस्टिकेटेड टेक बैकबोन से सपोर्ट किया हुआ यानी GSTN, GST Network, okay, एक, uh, है यानी जीएसटीएन जीएसटी नेटवर्क ओके जो कि एक एंटिटी है विच इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय सेंटर एंड स्टेट्स तो इसी तरीके का एक सिस्टम ओ एन के लिए बना सकते हैं और पी नेटवर्क भी बनाया जा सकता है जहाँ पर इंक्लूजन प्राइवेसी सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखा जाए तो यहाँ पर कहना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है ठीक है लेकिन ये ऐसा इस एडिटोरियल का सजेशन है तो ये आप सजेशन दे सकते हैं ओके ना लर्निंग फ्रॉम चैलेंजेज ऑफ जीएसटी तो जीएसटी में क्या क्या चैलेंजेस आए एक तो था डिले वाली बात ठीक है तो जो जीएसटी रिफंड्स हो रहे थे उसमें काफ़ी डिले था जिसकी वजह से कैश फ्लो इश्यूज आ रहे थे तो अगर इस तरीके की चीज़ें फूड राशन मिलने में होता है होती है अगर उसमें डिले होता है तो इट कैन बी कैटस्ट्रॉफिक देन देर वॉज कम्प्लाइंस बर्डन तो अचानक से डिजिटाइज करने की बात आ गई और पूरा का पूरा बर्डन जो था वो एम एस एम ईस पे चला गया जिनको एकदम से डिजिटाइज uh, करना पड़ा तो अगर इस तरीके की बात होती है तो जितने भी पी डी एस डीलर्स हैं उनको भी ओवर नाइट डिजिटलाइजेशन के लिए ऑप्ट करना पड़ सकता है ओके okay? नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट खीर भवानी मेला जो कि कैंसिल हो गया है कोविड नाइन्टीन की वजह से और ये मनाया जाता था इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पर कैंसिल हो गया है ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि कश्मीरी पंडित्स मनाते हैं ठीक है ठीके? याद रखना खीर भवानी मेला इट इज सेलिब्रेटेड बाई कश्मीरी पंडित तो आ, जो कि डिवोटीज़ हैं गॉडेस माता खीर भवानी ये वहाँ की गोडेस है आ, माता खीर भवानी वो फास्ट करते हैं और वो यहाँ पर फिर इकट्ठा होते हैं ज्येष्ठ अष्टमी यानी एट्थ डे ऑफ द फुल मून इन द मंथ ऑफ मे और जून और उनके अकॉर्डिंग जो गॉडेस है वो वहाँ के स्प्रिंग वाटर्स का कलर जो है वो चेंज कर देती है ओके okay? एंड रागाइना देवी टेम्पल जो कि तुलमुला गंदरबा विलेज में आता है उसी को माता खीर भवानी कहा जाता है तो उसका रियल नेम क्या है रागाइना देवी टेम्पल ठीक है और ये श्रीनगर के पास तुलमुला गंदरबा विलेज में आता है ओके okay? और एक्चुअली uh, जो खीर जो टर्म है तो हिंदी बेल्ट वाले तो समझ ही जाएंगे एंड इट रिफर्स टू राइस पुडिंग दैट इज़ ऑफर्ड इन द स्प्रिंग लोकेटेड इन द टेम्पल टू प्लीज़ द गॉड तो वहाँ पे राइस पुडिंग ऑफर खीर आप समझते हैं चावल की खीर वहाँ पे ऑफ़र की जाती है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल फॉर कश्मीरी पंडित्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना ओके okay? देन बेव क्यू करके एक ऐप है जिसको गूगल प्ले स्टोर ने अप्रूव कर दिया है और इसको यूज़ किया जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूट लिकर इन केरला ठीक है तो अब लक्कर के लिए जो जो ना हो जाए एंड uh, ये न्यूली डेवलप्ड मोबाइल ऐप है एंड इट विल इंट्रोड्यूस वर्चुअल क्यू सिस्टम फॉर द सेल ऑफ़ लिकर इन द स्टेट एक वर्चुअल uh, जो लाइन लग रही है क्यू सिस्टम है उसको वर्चुअली कर दिया जाएगा ताकि लिकर शॉप्स पे ओवर क्राउडिंग ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और इसको यूज़ किया जाएगा केरला के बेवरेज कॉरपोरेशन द्वारा ये स्टेट ओन्ड कंपनी है और यही पूरा वहाँ पर लिकर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मैनेज करती है बेफ को तो तो यही आप इस ऐप का यूज करेंगे टू तो डिस्ट्रीब्यूट द लिखकर इन द स्टेट और इसको डेवलप किसने किया है वहीं पे कोची बेस्ड स्टार्टअप है फेयर कोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने इसे डेवलप किया ना बग बाउंटी प्रोग्राम ये होस्ट किया जाएगा माय जीओवी टीम द्वारा एंड इट विल इनेबल सिक्योरिटी रिसर्चर्स टू अवेल रिवार्ड्स तो जो सिक्योरिटी का वो ट निकालते रहते हैं ना कि मतलब आरोग्य सेतु ऐप में ये है वो है तो अब है ना ये आ, माई जी ओ टीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम कहा है कि आप सिक्योरिटी वलनरेबिलिटीज़ निकाल के बताओ और ये सबके लिए ओपन है इंडियन और फॉरेन नेशनल्स के लिए लेकिन एलिजिबल केवल इंडियंस रहेंगे अगर आ, मतलब वो ऐसा कुछ कर पाते हैं तो उनको ही रिवॉर्ड मिलेगा तो अगर कोई भी सिक्योरिटी वलनरेबिलिटी निकालता है उस एप्स सोर्स कोड में उसको रिवॉर्ड मिल सकता है अप टू थ्री लैख और अगर कोई इम्प्रूवमेंट uh, या कुछ सजेशन देता है तो उसको सोर्स uh, कोड में वन लैख तक का रिवॉर्ड मिलेगा तो आप में से अगर कोई है सिक्योरिटी रिसर्चर देन ही और शी कैन गो फॉर इट ओके एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आर टी लैम्प टेस्ट फॉर करोना देट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन ये एक न्यूक्लियक एसिड बेस्ड टेस्ट है जो कि नेजल या थ्रोट स्वैप सैम्पल से किया जाता है पेशेंट से लेके इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है रैपिड है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी मिनट्स में कॉस्ट इफेक्टिव है एक्यूरेट टेस्ट है और कॉम्पोनेंट जो है वो इंडिया में ही आसानी से मिल जाते हैं एंड दे कैन भी इन इंडिया और ये बेनिफिट्स किसके कंपैरिजन में हैं इन कंपैरिजन टू आरटीपीसीआर ठीक है जो अभी किया जा रहा है रियल टाइम पीसीआर पॉली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किया जा रहा है uh, तो इसके कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अभी आरटीपीसीआर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इम्पोर्ट किया जाता है एंड Uh, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं बहुत ट्रेंड मैन पावर चाहिए होता है इंस्ट्रूमेंट्स महंगे होते हैं, हैं लैब्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई एंड वाली होती है और इनको ईजीली uh, डिप्लॉय नहीं किया जाता है मतलब uh, दिक्कत जाती क्वारंटाइन सेंटर्स रेलवेज़ वगैरह में इनको डिप्लॉय करने के लिए ओके सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ ट्वेंटी सेवेंथ आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फीडबैक्स देते रहिए एंड कीप स्टिंग स्टे क्रेजी हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स